नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube के आयुर्वेदिक से संबंधित चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेच मार्क्स के बारे में, जो कि स्ट्रेच मार्क्स आप जानते हैं, जैसे आमतौर पर महिलाएं इससे बहुत ज्यादा पीड़ित होती हैं, लेडीज को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं और इन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं बिना कोई खास दवाइयां इस्तेमाल किए हुए। जैसा कि हमारा फोकस रहता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारे घर में ही हम जो डेली यूज का सामान है, जो डेली यूज की कोई हर्बल चीजें हैं, फल हैं, पत्तेदार सब्जियां या ऐसी चीजें हैं, उनसे ही हम अपनी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और आयुर्वेद का यही मकसद है। तो दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे कि हम घर में से क्या ऐसी चीजें, हम क्या कोई इलाज निकाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं। दोस्तों ये आमतौर पे लेडीज को प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर जब भी जैसे त्वचा खींचती है, जैसे कि मोटापा आना, तो उस टाइम पे जो स्किन की जो मिड लेयर होती है उसके टिश्यूज जैसे ब्रेक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं, इसकी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। और दोस्तों उससे पहले आपसे गुजारिश है कि दोस्तों आप हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई बहन मित्र इसका फायदा उठा सकें। और आप जो भी रेमेडीज ले रहे हैं उस पर अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, या आपके कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें, हिचके नहीं, ताकि आपके जो प्रश्न है वो कुछ और लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, तो उनको भी उनकी चीज उनके क्वेरीज का जवाब मिल जाए। तो दोस्तों स्ट्रेच मार्क्स की बात हम कर रहे थे। स्ट्रेच मार्क्स दोस्तों आमतौर पर देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में, लेडीज को हो जाते हैं प्रेगनेंसी में होते हैं, और कभी कभी जैसे मोटापा बढ़ने लगता है। मतलब बेसिकली ये कहें कि जैसे स्किन खींचती है, स्किन खींचने पर ये स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। आपको देखने में भी लगेगा जैसे टिश्यूज फट रहे हैं या स्किन फट रही है, इस तरह के निशान बन जाते हैं। वो एक्चुअली स्किन फट ही रही है एक तरह से। तो इसके लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों त्वचा पर स्ट्रेच मार्क्स का निशान महिलाओं के लिए परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि ये आपकी खूबसूरती को बिगाड़ता है। ये तब पड़ते हैं जब त्वचा में खिंचाव आता है और इस दौरान जो त्वचा की मिडल लेयर है उसके फाइबर्स ब्रेक हो जाते हैं। दोस्तों गर्भावस्था में ये आम ही देखने को मिलता है, और गर्भावस्था किसी भी महिला के लिए काफी खास लम्हा होता है, क्योंकि वह 9 महीने धैर्य रखकर अपने बच्चे को जन्म देती है। गर्भावस्था का हर कदम काफी खास होता है और यह माँ और शिशु के संबंध को मजबूत करता है। पर कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। दोस्तों गर्भावस्था के समय में पेट के पास स्ट्रेच मार्क्स का होना उन्हीं में से एक है, और ये गर्भावस्था में बच्चे के बढ़ने की वजह से होता है। डिलीवरी के बाद भी ये स्ट्रेच मार्क्स बने रहते हैं और जाते नहीं है। और दोस्तों कई महिलाएं शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स से परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी का अंत होने वाला है तथा अपने स्ट्रेच मार्क्स हमेशा के लिए अपने शरीर से पीछा छोड़ देंगे। आज हम देखते हैं कि जिस औषधि की आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नींबू। तो नींबू दोस्तों बहुत ही कॉमन चीज है और एक बहुत ही अच्छी औषधि भी है। ये एक ऐसी औषधि है जो तकरीबन हर घर में मौजूद है। नींबू विटामिन सी और अन्य गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर के स्ट्रेच मार्क्स को हटाने में काम आता है। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है, एक ताजे नींबू को बीच में से काट लें। अब कटे हुए नींबू को अपने मार्क्स पर लगाना शुरू करिए। नींबू को थोड़ा थोड़ा दबाते जाएं ताकि इसका रस मार्क्स पर लगता रहे। इस विधि को चक्राकार आकार में कीजिए। चक्राकार मतलब दोस्तों गोल, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इन मार्क्स पर लगाकर नींबू को गोल गोल घुमाएं। नींबू के रस को 10 मिनट तक बॉडी पर लगा रहने दें और इसके बाद इसे गर्म पानी से धो लें, गुनगुने पानी से दोस्तों, जो कि त्वचा पे लगने लायक पानी हो, जिससे आपको कष्ट ना हो। रोजाना दिन में 2 बार इस विधि को आजमाइए और 1 महीने में आपको इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे आपके स्ट्रेच मार्क्स गायब होने लगे हैं। तो दोस्तों ये जो आपको नींबू लगाने की टेक्निक बताई गई है, इसका बहुत ही ध्यान रखें कि किस तरह से लगाना है। ये जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि ये त्वचा है दोस्तों, इस पे नींबू काट करके हमने ले लिया है। ऐसे इस तरह से दोस्तों गोल गोल घुमाते हुए, जैसे राउंड शेप में घुमाते हुए इसको लगाना है। इसको लगाने के बाद जैसे यहां पे ये स्किन पे इसका जो लेमन का जूस है वो लग गया है।
इसको लगा रहने दोस्तों, और उसके जैसा कि आपको बताया गया है इसको वॉश कर लें। और दोस्तों इसके आपको बहुत ही अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे, आप ये जरूर करें। और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे अपना फीडबैक जरूर दें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें, शेयर करें अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, सगे संबंधियों से जरूर इस चीज का जिक्र करें, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स करीब करीब हर महिला को ही अपने जीवन काल में देखने को कभी ना कभी मिलते हैं, या कभी मोटापा आ गया, कभी प्रेगनेंसी हुई, तो ये स्ट्रेच मार्क्स हो ही जाते हैं। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि इस नुस्खे को जरूर आजमाइए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर पेश आपके सामने पेश करेंगे एक नई समस्या को लेकर के हम पेश होंगे और उसके बारे में, उसके समाधान के बारे में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों।